अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम जेरंड के बारे में पढ़ेंगे। हम जेरंड को देखेंगे कि ये जेरंड होते क्या हैं और हाउ डू वी यूज देम इन अवर कॉन्वर्सेशन और इन अवर राइटिंग। किस तरह से हम इन्हें अपने बोलने या अपने लिखने में इनको जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले स्टूडेंट्स कि मैं आपको जेरंड्स के बारे में बताना शुरू करूँ, आप जब भी आपके सामने इंग्लिश का कोई भी वर्ड आए, बेशक जो है वो कोई नाउन हो, कोई एडजेक्टिव हो, कोई एडवर्ब हो, कोई कंजंक्शन, वट एवर द वर्ड इज, आप उसका उर्दू में एग्जैक्ट ट्रांसलेशन जो है वो देखा करें। ये एग्जैक्ट ट्रांसलेशन देखना कैन बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू इन ऑर्डर टू गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन बोथ द लैंग्वेजेस, उर्दू एंड इंग्लिश। और ये आपके करियर में, whether it is your educational career or whether it is your professional career, उसमें बहुत useful साबित होगा। तो students देखते हैं हम जो है वो gerund होते क्या हैं। gerund looks exactly the same as present participle, यानी ये present participle की तरह से लगते हैं, नजर आते हैं, दिखाई देते हैं। कैसे के प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आई एन जी वाली या बेस फॉर्म के साथ आई एन जी फॉर्म आई एन जी लगा के जो है वो बनाते हैं, यहाँ पे जो है जेरंड भी जो है वो उसी तरह से होगा। बट इट इज यूजफुल टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये अहम है समझना द डिफरेंस बिटवीन द टू, कि आप इन दोनों में फर्क समझें। द जेरंड ऑलवेज हैज द सेम फंक्शन एज अ नाउन, यानी ये नाउन की तरह से इस्तेमाल होते हैं। पार्टिसिपल आपको पता है कि वो एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। Although it looks like a verb, देखने में ये verb लगता है, लेकिन ये इस्तेमाल जो है वो noun के तौर पर होता है। Students, मैं इस किस्म के lecture अपने YouTube channel पर upload करता रहता हूँ और मेरा मकसद ये है कि आपको English की ज़्यादा understanding हो, particularly in Pakistani context। तो आपके लिए लाजमी है कि आप जब भी कोई वर्ड आपके सामने आए, आप उसको ट्रांसलेट करें इन योर ओन लैंग्वेज। अगर आपको नहीं आती ट्रांसलेशन, आप अपने फ्रेंड से पूछें, अपने टीचर से पूछें, पेरेंट्स से पूछें, और वट एवर अवेलेबल सोर्स यू हैव, तो उसकी ट्रांसलेशन जो है वो लाजमी पूछा करें और उसको जो है वो जहन में रखें। और ट्रांसलेशन जो है एग्जैक्ट वर्ड, कोशिश करें कि उर्दू में इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड जो है वो कैसे इस्तेमाल होता है। मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा जब मैं ये लेक्चर जो है वो आपके साथ आगे लेके जाऊंगा, लेकिन इसके बावजूद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ट्रांसलेशन आपको लाजमी पूछनी चाहिए और करनी चाहिए। अच्छा, जेरंड जिस तरह से आपको पता है, जब ये नाउन है तो ये नाउन की तरह से ही इस्तेमाल होगा। तो जेरंड का सबसे जो इम्पोर्टेंट यूज होता है कि इसे आप एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूज करते हैं। देखें जरा, ये एग्जाम्पल्स हैं। ईटिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब यहाँ पे ईटिंग जो है, इसका आपको एग्जैक्ट ट्रांसलेशन जो है वो आना चाहिए। क्या होता है खाना? अब आपको पता है खाना जो है वो नाउन भी होता है, खाना वर्ब भी होता है, लेकिन यहाँ पे ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह से हंटिंग इज डेंजरस। अब यहाँ पे जो हंटिंग का ट्रांसलेशन जो है वो आपको होना चाहिए, शिकार करना नहीं, आप जो है वो शिकार बोलेंगे इसे। फ्लाइंग मेक्स मी नर्वस। अब ये फ्लाइंग को एग्जैक्ट ट्रांसलेशन जो है वो करें, क्या होता है, उड़ान बोलते हैं उर्दू में, जो करीब तरीन इसका वर्ड होता है। ब्रशिंग योर टीथ इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पे ब्रश, सफाई, ठीक है। स्मोकिंग, तंबाकू नोशी, काजेज लंग कैंसर। इन सेंटेंसेज में आप इजीली देख सकते हैं कि जेरंड को, यानी वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आई एन जी एड करके इसे एज अ नाउन जो है वो यूज किया जाता है। और जब आप किसी वर्ड को एज अ नाउन यूज कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आप उसे एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस जो है वो यूज करते हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, जेरंड एज द कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब टू बी, यानी ये वर्ब जो इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, इसके कंप्लीमेंट, यानी इसके इसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए भी जो है वो लगाते हैं। इस देखें जरा, वन ऑफ हिज ड्यूटीज इज अटेंडिंग मीटिंग्स। अब यहाँ पे अटेंडिंग जो है वो क्या है, जेरंड है। द हार्डेस्ट थिंग अबाउट लर्निंग इंग्लिश इज अंडरस्टैंडिंग द जेरंड। अब यहाँ पे जो ये अबाउट लर्निंग भी जेरंड और ये अंडरस्टैंडिंग भी जेरंड के तौर पर इस्तेमाल हो। वन ऑफ लाइफ्स प्लेयर इज हैविंग ब्रेकफास्ट इन बेड। यहाँ पे
हैविंग एज अ जेरंड जो है वो यूज हुआ है। और आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप इनकी जो है वो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करने की कोशिश किया करें। अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आती, अपने फ्रेंड से पूछें, अपने टीचर से पूछें, या कोई भी और सोर्स आपके पास अवेलेबल है उससे ट्रांसलेशन जानने की कोशिश करें। इस तरह से आपको दोनों लैंग्वेजेस पर ग्रिप आएगी। अच्छा, ये जेरंड को आफ्टर प्रेपोजिशंस भी इस्तेमाल करते हैं। द जेरंड मस्ट बी यूज व्हेन अ वर्ब कम्स आफ्टर अ प्रेपोजिशन, यानी जब किसी प्रेपोजिशन आती है उसके बाद आप जो है वो जेरंड को यूज करें। देयर इज आल्सो, दिस इज आल्सो ट्रू ऑफ सर्टन एक्सप्रेशंस एंडिंग इन अ प्रेपोजिशन, यानी कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं उनके एंड पे प्रेपोजिशन लगी होती है, उसमें भी आप ऐसा ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, The expressions in spite of there is no point in, इस किस्म के expressions जो हैं वो इनके बाद आप जो है वो gerund इस्तेमाल करें। देखें example, can you sneeze without opening your mouth? यहाँ without जो है इसके बाद आपने verb के बाद आपके पास preposition लगी हुई है, preposition के बाद of course आप जो है वो gerund लगाएंगे। She is good at painting, ये at जो है वो इसके बाद जो है वो आप gerund जो है लगा रहे हैं। She avoided him by walking on, अब ये by walking, ये walking जो है वो gerund है और उससे पहले preposition लगे, on the opposite side of the road. We arrived in Madrid after driving all night, ये after driving यहाँ पे, यानी हम Madrid पहुँचे सारी रात driving के बाद। My father decided against postponing his trip to Hungary. मेरे अबू ने जो है वो हंगरी का ट्रिप जो है उसको पोस्टपोन कर दिया, मुलतवी कर दिया। तो यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हैं अगेंस्ट के बाद जो है वो आपका जेरंड जो है वो। देयर इज नो पॉइंट इन वेटिंग, पहले बता चुका हूँ ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं, इनका हमेशा ख्याल रखना है। इन स्पाइट ऑफ मिसिंग द ट्रेन वी अराइव्ड ऑन टाइम, यहाँ पे भी आप जो है वो देख सकते हैं किस तरह से आपने जेरंड को यूज किया है। नेक्स्ट देखें जेरंड आफ्टर फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स का आपको जो है वो आइडिया होगा स्टूडेंट्स के, हम कुछ एडवर्ब लगा देते हैं वर्ब के बाद या प्रेपोजिशन लगा देते हैं और वो डिफरेंट, बिल्कुल टोटली डिफरेंट मीनिंग देता है। अगर इस तरह के सूरत हाल है तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे उसके बाद, आप जेरंड इस्तेमाल करेंगे। व्हेन विल यू गिव अप स्मोकिंग, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड हियर के आफ्टर गिव अप, गिव अप का मतलब जो है वो तर्क करना होता है, छोड़ देना होता है, और उसके बाद स्मोकिंग जेरंड देखो लगा हुआ है। She always puts off going to the dentist. अब ये जो है वो puts off जो है ये टालना, इसका मीनिंग होता है, phrasal verb होता है ये, और उसके बाद going लगा। He kept on asking for money. यहाँ पे keep on जो है वो जारी रखना होता है और उसके बाद जो है वो देखें किस तरह से gerund इस्तेमाल हुआ है। Jim ended up buying a new TV after his, यहाँ पे ended up यानी आखिर ये हो, इख्तिताम जो है वो ये हुआ कि उसने जो है वो एक टीवी खरीदा। तो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स या प्रेपोजिशंस के बाद जो है हम जेरंड इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जरा ये थोड़ी सी जो है वो एक्सप्लेनेशन देखें, क्योंकि ये दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, आप इसे आसानी से जो है वो समझ सकते हैं। देर आर सम फ्रेजल वर्ब दैट इंक्लूड द वर्ड टू, यानी कुछ फ्रेजल वर्ब्स होती हैं जिनमें वर्ड टू लगा होता है एज प्रेपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, टू लुक फॉरवर्ड टू, जैसे लुक फॉरवर्ड टू होता है, इंतजार करने के मीनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। टू टेक टू, ये आदि वगैरह हो जाना होता है। टू बी अकस्टम टू, ये भी आदि होना। टू गेट अराउंड टू, मुत्तफिक वगैरह हो जाना होता है। टू बी यूज टू, आदि होना होता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रेकग्नाइज द वर्ड टू इज अ प्रेपोजिशन, यानी यहाँ प्रेपोजिशन लगा हुआ है तो आप पहले से ही समझ के आ चुके हैं इस बात को कि अगर कहीं प्रेपोजिशन के बाद जो है हमें वर्ब इस्तेमाल करना पड़ जाए या अब वर्ब के मीनिंग देने पड़ जाए तो हम जो है वो जेरंड इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून, अब ये इस किस्म के सेंटेंसेस जो है वो आफ योर एग्जाम्स, इन योर एग्जाम्स विच यू टेक फॉर योर जॉब और फॉर योर एडमिशन टू डिफरेंट प्लेसेज, वहां पे इस किस्म के सेंटेंसेज जो अक्सर पूछे जाते हैं इनका जो है वो हमेशा ख्याल रखिएगा। आई लुक फॉरवर्ड टू, उसके बाद देखें आई एन जी वाली फॉर्म जो है वो लगी हुई। आई एम यूज टू, उसके बाद देखें आई एन जी वाली फॉर्म लगी हुई है। शी डिड नॉट रियली टेक टू स्टडिंग, यहाँ पे भी आई एन जी वाली फॉर्म जो है वो लगी हुई है, यानी जेरंड इस्तेमाल हुआ। व्हेन विल यू गेट अराउंड टू मूविंग, यहाँ पे गेट अराउंड टू मूविंग, गेट अराउंड का मतलब जो है वो मैंने पहले बताया, कायल हो जाना, मुत्तफिक हो जाना। टू मूविंग, मूविंग का मतलब यू आई थिंक यू नो, घास वगैरह जो लॉन का होता है काटना, उसको जो है वो मूव बोलते हैं।
अच्छा आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, द जेरंड आफ्टर सम एक्सप्रेशंस, कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जिनके बाद जो है हम जेरंड यूज करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स को इन एक्सप्रेशन का जानना। जो मशहूर मशहूर से हैं वो कैंट हेल्प, कैंट स्टैंड, टू बी वर्थ, इट इज नो यूज, इस किस्म के ये एक्सप्रेशन होते हैं। आपको इनके मीनिंग आने चाहिए। कैंट हेल्प का मतलब ये होता है कि बंदा बेबस हो किसी चीज के सामने, कैंट स्टैंड, बर्दाश्त ना कर सकना, टू बी वर्थ यानी किसी चीज की कोई कीमत होना, इट इज नो यूज, बेकार होना, फायदा ना होना, इस किस्म के मीनिंग जो है ये देते हैं। तो स्टूडेंट्स देखे, शी कुड नॉट हेल्प फॉलिंग इन लव विद हिम। अब ये कैन नॉट हेल्प के बाद देखे फॉलिंग इन लव, आई कैंट स्टैंड बींग स्टक इन स्टक इन ट्रैफिक जाम, बींग यहाँ पे जो है वो स्टैंड, कैन नॉट स्टैंड के बाद जो है लगा, इट इज नो यूज ट्राइंग टू एस्केप, ट्राइंग यहाँ पे नो यूज के बाद जो है वो एज अ जेरंड जो है वो इस्तेमाल हुआ। इट माइट बी वर्थ फोनिंग द स्टेशन टू चेक द टाइम ऑफ द ट्रेन। तो स्टूडेंट्स आप इन सेंटेंसेस से इजीली यू कैन अंडरस्टैंड के हाउ दिस जेरंड्स आर यूज्ड। एंड देन देयर इज अनदर प्रॉब्लम के कौन से जेरंड जो कौन सी वर्ब जो है उनके बाद जो है जेरंड लगता है, इस पे जो है वो इंशाल्लाह फिर कभी जो है वो बात करेंगे। फिलहाल इतना ही, इस लेक्चर को जो है वो आप अच्छी तरह से देखें। इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग एंड इफ यू फाइंड दैट समथिंग इज मिसिंग और समथिंग हैज़ बीन लेफ्ट आउट, यू कैन टेल मी थ्रू कमेंट्स। इंशाल्लाह आई ट्राई टू राइट द रिप्लाइज टू योर कमेंट्स। वी विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स इन अवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।